सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ नीलकंठ महादेव जी से। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नीलकंठ महादेव, और ये देखिए बाइक यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। और ये प्रसाद की दुकान है, यहाँ पे पार्किंग फ्री है, बट एक कंडीशन, आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। तो होता है यार, सबको ये रहता है कि पापी पेट का सवाल है, तो बनता भी है कि आपकी गाड़ी सेफ रहेगी तो आप प्रसाद लेके इसका पे कर सकते हो। तो मैं इतना दर्शन करके आता हूँ आपको, आप इतना घर से यहाँ तक की जर्नी देखिए, उसके बाद मैं यहाँ से आपको कंटिन्यू दिखाऊँगा। चलिए मिलते हैं अभी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये आज वीकेंड राइड पे जा रहा हूँ, वीकेंड राइड पे, और ये जा रहा हूँ मैं नीलकंठ महादेव जी ऋषिकेश, हरिद्वार 162 किलोमीटर, देहरादून 207। दोस्तों अभी 9:10 हो रहे हैं, और ये देखिए मौसम एकदम, अभी कोहरा लगा हुआ है और हवा एकदम साफ है। आप देख सकते हो विजिबिलिटी कितनी है, सूर्य देवता उग चुके हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, ठंडक वही रह रही है जो सुबह नोएडा से लेकर निकला था। तो अभी देखिए हरियाली, ये देखिए दोस्तों, ये प्रकृति है। इतना बड़ा पेड़ काटना कोई समझदारी नहीं थी, और बहुत अच्छा काम किया है वैसे। यहाँ का ये सबसे बेस्ट पार्ट है, एक तो दोनों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, सड़क भी आपको अच्छी मिलेगी। ये देखिए दोस्तों प्रवाह, वाला ब्रिज है जहाँ से मुड़ जाते हैं। आज हम इधर से नहीं मुड़ेंगे, हम सीधा निकल लेंगे यहीं से। ये सीधा सीधा है कि आप टोल बचा सकते हैं हरिद्वार तक जितने भी है। यहाँ पे ना आपको ब्रिज मिलेगा, और हम यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल लेंगे हरिद्वार। सीधा नहीं, रुड़की 8.5 किलोमीटर। दोस्तों लेट होने के कारण मैं सीधा नहीं, यहाँ से राइट हो गया हरिद्वार के लिए। गेट ऑफ चार धाम में आपका स्वागत है, हरिद्वार में आपका स्वागत है दोस्तों। पानी बिल्कुल साफ है दोस्तों, हर महादेव। ऋषिकेश भी पहुंच गए हैं, और उसी इलाके पहुंच गए जहां से माउंटेन्स का रास्ता शुरू होता है। ये यहां से शुरू होती है चढ़ाई माउंटेन्स की। ऋषिकेश से मैं आ चुके हैं आगे, और देखते हैं राम झूला लक्ष्मण झूला को पार करके ही नीलकंठ महादेव पड़ते हैं। अभी सड़क बना दी गई है, वरना ये बहुत टूटी हुई थी लास्ट टाइम जब मैं आया था। तो अभी ऋषिकेश भी बिल्कुल खाली ही पड़ा है। नीलकंठ महादेव अच्छा के लिए यहाँ से राइट होना है, ये रास्ता है नीलकंठ के लिए, यहीं से मुड़ना है। मेन रोड पे आएंगे तो ये आपको बोर्ड दिखा मिलेगा नीलकंठ के लिए। वाह, बहुत लंगूर बैठे हैं। नीलकंठ 17 किलोमीटर, अरे वाव। लोग यहाँ राफ्टिंग का मजा लेते हुए श्री नीलकंठ महादेव इधर निकलना, इधर जाना है अपने को। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपकी यहाँ पे 25 रुपए की पर्ची कटेगी वन विभाग के द्वारा। ऋषिकेश बिल्कुल ही अलग है उस साइड से, इस साइड में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अरे वाह, व्यू देखे दोस्तों, मौन वन साइलेंट फॉरेस्ट। दोस्तों चढ़ाई बढ़ती ही जा रही है, जो 5 किलोमीटर है
जहाँ से मंदिर के लिए रास्ता कटता है नीलकंठ महादेव जी के लिए, वो बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता है। और अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि चढ़ाई बढ़ती जा रही है। ये जगह जगह पर टी स्टॉल ये बने हुए हैं। यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह का नाम भगवान शिव के नाम से लिया गया है। आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा। ये नीलकंठ जाने के लिए एक छोटी सी मार्केट है दोस्तों। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश से 32 किलोमीटर, जो कि आप बैराज के माध्यम से आ सकते हैं। 22 किलोमीटर रामझूला के माध्यम से दूर स्थित है। यह जगह धार्मिक उत्साह, पौराणिक महत्व और खूबसूरत परिवेश का मिला जुला संगम है। ये मंदिर तक पहुँच ही गए हैं। ये रहा अपना नीलकंठ मंदिर। यहाँ ये पार्किंग है, बाइक वगैरह के लिए तो आप पार्किंग कर सकते हैं, और गाड़ी के लिए थोड़ी सी ना आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, जाम। ये रहा अपना नीलकंठ महादेव मंदिर। अच्छी खासी भीड़ है नीलकंठ मंदिर में जी। ये रास्ता है नीलकंठ मंदिर के लिए। हाँ, बस बेहतर यही होगा कि जूते चप्पल बाहर ही उतारे, वही बेटर है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न कालकूट नाम का ऋषि भी था, जो भगवान भोले शंकर ने ग्रहण किया था, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया था। तभी से भगवान भोले शंकर को नीलकंठ भी कहा जाने लगा है। ये अपने नीलकंठ बाबा जी। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था भगवान भोले शंकर ने वो पी लिया था। ठीक है, इतना उसकी ज्वलंता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचपणी नामक वृक्ष के नीचे समाधि लेकर 60,000 मेन मंदिर के अंदर का रास्ता है। और कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव ने यहीं पर शंभु शिवलिंग स्थापित किया था, जो आज नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, और हम सब उन्हीं के ही दर्शन करने के लिए नीलकंठ महादेव। ये कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर के अंदर का, देखिए दोस्तों, वो जो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है नीलकंठ महादेव मंदिर के ऊपर। यहाँ नक्काशी के माध्यम से भोलेनाथ जी को विष पीते हुए दिखाया गया है, और ये नीलकंठ महादेव जी के बारे में बताया गया है, तो प्लीज़ इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। नज़दीक कौन कौन से स्टेशन है वो दिखा रखा, थोड़ा हिंदी में है, इसका अनुवाद भी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। 100-200 दर्शन तो हो गए हैं अभी, और वापसी की तैयारी है। मंदिर में रश ज़्यादा नहीं है, पर है रश अभी, इतना नहीं है, पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ठीक है, मान्यता है। बाकी नीलकंठ महादेव के बारे में मैं आपको जो वीडियो डालूँगा उसके बीच में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखना। और अभी चलते हैं और निकलते हैं नोएडा की तरफ। यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकान है, खाने पीने के लिए आप रुक सकते हैं। पार्किंग के लिए कोई वो नहीं है ज़्यादा मशक्कत, बाइक वगैरह की तो पार्किंग बड़े आराम से हो सकती है। वापसी की के लिए तैयारी कर दी है दोस्तों, और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है नोएडा तक। यहाँ से दुगड्डा, ऋषिकेश, बैराज 31, लक्ष्मण झूला 18, मतलब यहाँ से 18 किलोमीटर है लक्ष्मण झूला। चलो चलते हैं।
भोले बाबा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। वो तो हमेशा ही अच्छा लगता है भोले बाबा जी के दर्शन करके, क्योंकि हमारे भोले बाबा जी बैठे ऐसे ऐसी जगहों पर हैं कि जहाँ पर ऑटोमेटिकली मन एकदम शांत हो जाता है। और ये तो वो स्थान है जहाँ पर भोले बाबा जी ने तपस्या की थी 60,000 वर्षों तक। चले मिलते हैं अभी आपको बीच में। वापसी का थोड़ा सा सफ़र कम करता हूँ दोस्तों। मड कैफ़े, इस तरह के कैफ़े नीलकंठ तक आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप ऋषिकेश की तरफ वापस आते हैं तो आपको ये छोटा वाटरफॉल मिलता है और यहाँ पर राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर ये देखिए राफ्टिंग का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों ऋषिकेश हम पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और जाम बहुत है। अभी तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, घर जाके हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे दोस्तों घर पर। हाँ जी दोस्तों, कल हम नीलकंठ महादेव की यात्रा करके आए और वहाँ पे हमने वाटरफॉल देखा, राफ्टिंग के लिए जगह देखी और मड हाउसेस देखे और महादेव जी के दर्शन किए। तो कुल मिला के जो हमारी संडे राइड थी वो बहुत ही अच्छी गई और आप भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। जो ये जो ऋषिकेश है नीलकंठ महादेव की तरफ, ये बहुत ही अलग ऋषिकेश है, मतलब आपको पूरी तरह से अलग मिलेगा, ना ज़्यादा चकाचौंध ना कुछ, बट हाँ आपको एंजॉय करने का मौका पूरा मिलेगा। आज रात लेट आया, खा पी कर सो गया और थकान बहुत थी, 537 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी तो ब्लॉग एंड नहीं किया। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।